Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you conversation for class 4. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं और जिसके बारे में बात करने वाले हैं जो conversation है हमारा, तो वो chapter का जो नाम है restaurant. इसको तो पहले आप लोग जो pronounce करते हैं, कोई बोलता है restaurant, कोई बोलता है restaurant, कुछ मतलब अजीब टाइप से आप लोग प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है रेस्ट्रॉन. ठीक है, याद रहेगा. मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, रेस्ट्रॉन. वहाँ पे टी क्या है ना, नहीं बोलते हैं. जैसे आप लोग सलून बोलते हैं ना, सैलून, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सलून. ठीक है, बलून, बैलून नहीं. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे रेस्ट्रॉन जो है बाबू, ठीक है, यहाँ पे टी का उसका जो प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है, वो नहीं करेंगे, सिर्फ बोलेंगे रेस्ट्रॉन. ठीक है, याद रखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या है कॉन्वर्सेशन आपका? ठीक है, रेस्ट्रॉन है तो डेफिनेटली कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी वहाँ पे. तो देखते हैं क्या है. रॉन एंड एनी आर एट रेस्ट्रॉन विद देयर पेरेंट्स. अब यहाँ पे दो कैरेक्टर है, ठीक है, रॉन है एंड एनी है, जो कहाँ पे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं उन लोग के बीच क्या बातचीत होती है रेस्टोरेंट में जाके. तो लेट्स स्टार्ट. वेटर, गुड मॉर्निंग. सॉरी, वेटर, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट, मे आई हेल्प यू. वहाँ पे वेटर है और वहाँ पे उसने, वेटर ने क्या बोला, जाते ही ग्रीट किया उसने, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट. उसने बताया कि हाँ, स्वागत है हमारा रेस्टोरेंट में. मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ. ठीक है, वहाँ पे वेटर ने बोला. आप लोग भी नॉर्मली जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ पे वेटर आता है ना, एक मेन्यू कार्ड लिए हुए आएगा सर, ग्रीट करता है पहले, गुड मॉर्निंग होगा, गुड आफ्टरनून होगा, गुड इवनिंग होगा, जो भी है वो बोलेगा पहले, उसके बाद स्वागत करता है कि हाँ, स्वागत है हमारे रेस्टोरेंट. तो ऐसे यहाँ पे वेटर ने किया, ठीक है, और उसके बाद पूछा मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ. आगे बढ़ते हैं. पापा, यस थैंक यू, कैन वी हैव द मेन्यू कार्ड. तो पापा ने वहाँ पे बोला यस, पहले तो यस बोला और थैंक यू बोला उसको, तो उसने गुड इवनिंग ग्रीट किया था, ऊपर से स्वागत भी किया, तो थैंक यू वहाँ पे कर्टियस के थ्रू बोलते हैं. ठीक है, वहाँ पर उन्होंने बोला कि क्या मुझे मेन्यू कार्ड मिल सकता है क्या. मेन्यू कार्ड में आप लोग जानते हैं कि उसमें डिशेस रहते हैं, कौन कौन से डिशेस आपको मतलब सिलेक्ट करने रहते हैं, ये चाहिए, तो वो मेन्यू कार्ड उसे बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वेटर, हियर इट इज़ सर, मे आई हैव योर ऑर्डर प्लीज़. ठीक है, वेटर ने दे दिया. उसके बाद पापा देख लेंगे क्या लेना है, तो उसके बाद पूछा सर क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ. पापा बोलते हैं यस बट गिव्स अस सम टाइम टू डिसाइड. अब पापा बोले कि ठीक है, कुछ समय दीजिए ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा डिश हमें खाना है. ठीक है, वेटर बोलता है श्योर सर, आई शैल बी बैक इन अ वाइल. वेटर ने बोला बिल्कुल सर, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊँगा. ओके, अब चला गया. अब वेटर वहाँ से चला गया तो वहाँ पे पेरेंट्स हैं उनके और दोनों भाई बहन हैं, तो वहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि क्या लिया जाए. रॉन, पापा प्लीज़ कैन वी सिलेक्ट द फूड. रॉन कहता है कि हाँ पापा, क्या मैं फूड सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्या मैं डिशेस बता सकता हूँ जो खाना है. मम्मी बोलते हैं आई थिंक इट विल बी बेटर इफ़ वी आस्क द वेटर व्हाट इज़ गुड इन देयर रेस्टोरेंट. वहाँ पे मम्मी बताती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे वेटर से पूछना चाहिए कि आपके रेस्टोरेंट में कौन सी सबसे अच्छी चीज़ मतलब मिलती है खाने के लिए. ठीक है, और ऐसा होता भी है, आप लोग भी कहीं जाते हैं, मान लो कहीं नए जगह पे, ऐसा थोड़ी है रेस्टोरेंट में आप डेली जाते हैं, तो उस रेस्टोरेंट का क्या स्पेशलिटी है ये पता नहीं रहता है, तो बेटर रहता है कि आप वेटर से पूछ लो, ऐसा नॉर्मली होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मम्मी ने बताया है कि हाँ, ये इट विल बी बेटर इफ़ वी आस्क द वेटर व्हाट इज़ द गुड इन देयर रेस्टोरेंट, कि क्या है अच्छा आपके रेस्टोरेंट में, तो वेटर से पूछने पे वही बताएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. एनी, दैट्स गुड आइडिया. एनी कहती है हाँ, ये एकदम अच्छा आइडिया है. मम्मी उसके बाद कॉल्स द वेटर, ब्रैकेट में है, वेटर को बुलाते हैं. ठीक है, कैन यू टेल अस व्हिच फूड इज़
बेस्ट इन योर रेस्टोरेंट? मम्मी कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके रेस्टोरेंट में कौन सी फूड है जो सबसे बेस्ट है? वेटर बोलता है, श्योर मैडम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, इंडियन और चाइनीज़? वहाँ पे वेटर बोलता है, क्या बिल्कुल मैडम, क्या आप क्या खाना पसंद करेंगे, इंडियन और चाइनीज़? यहाँ पे मैं कुछ आप लोग को पूछना चाहूँगा और कि इंडियन और चाइनीज़ फूड जो होता है ना, इसमें डिफरेंस क्या होता है, मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है? आप लोग सेशन के दौरान सभी लोग मुझे बताएंगे कि इंडियन और चाइनीज़ में डिफरेंस क्या है, ठीक है? इंडियन फूड होता है, चाइनीज़ फूड होता है, तो हम लोग ज़्यादातर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो चाइनीज़ पसंद करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है? तो ये सेशन के दौरान वहाँ पे आपको बताना होगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम। मम्मी कहते हैं उसके बाद, वी वुड लाइक टू हैव चाइनीज़, ठीक है? मम्मी कहते हैं कि हम चाइनीज़ लेना पसंद करेंगे, ठीक है? वेटर, देन आई वुड सजेस्ट यू शुड ट्राई आवर सीसम चिकन एंड चॉपसी, ठीक है? अब यहाँ पे वेटर कहता है, तब मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सलाह दूँगा कि आपको सीसम चिकन और चॉपसी ट्राई करना चाहिए। ये सीसम चिकन क्या होता है, आप लोग मंचूरियन खाते हो ना, मंचूरियन का वो छोटा छोटा पीस होता है ना, वही सीसम टाइप का होता है, बट ऊपर से सीसम डाल दिया जाता है, सीसम तिल को बोलते हैं, तो ऊपर से चिकन में डाल दिया जाता है, ठीक है? और चॉपसुई होता है, उसको क्या बोलूँ मैं, आप लोग ये नूडल्स वगैरह खाते हैं ना, मैगी या फिर चाउमीन वगैरह, ठीक है? तो उसमें जो भी लीफ रहता है, वेजिटेबल लीफ रहता है, ये सारा चीज़, और उसको चॉपस्टिक के साथ खाते हैं, ठीक है? तो वही चॉपसुई बोलते हैं, उसमें बहुत सारा वैरायटी आता है, ठीक है? अब चाउमीन में भी एक थोड़ी है कि यही सिर्फ आता है, उसमें बहुत सारा चिकन है, बहुत सारा उसमें वैरायटी है, वैसे चॉपसुई में ही सारा ये आता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। पापा बोलते हैं, ऑल राइट, हाउ मच शुड वी ऑर्डर, ठीक है? अब पापा बोलते हैं, ठीक है, तब हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए? वेटर, यू मे ऑर्डर 2 servings ऑफ ईच डिश, विल दैट बी ऑल? वेटर बताता है कि आपको मतलब हर डिश का 2 कम से कम सर्विंग लेना चाहिए, ठीक है? सर्विंग यहाँ पे कहेंगे कि रेस्टोरेंट में एक पार्ट होता है फूड का, जैसे आप बोलते हो ना हाफ या क्वार्टर, वैसे ही रेस्टोरेंट में भी इस तरीके का चलता है बाबू, ठीक है? विल दैट बी ऑल? और यही सारा आपको मिला के हो जाएगा, ठीक है? पापा बोलते हैं, थैंक यू। मम्मी उसके बाद क्या बोलती हैं, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू सर्व द फूड? अब मम्मी पूछती कि अच्छा कितना टाइम लगेगा आपको ये फूड जो हम लोग लेने वाले हैं उसको कितना टाइम आप ला देंगे? वेटर बोला, जस्ट 10 minutes मैडम। वेटर बोलता है, जस्ट 10 minutes मैडम, ठीक है? तो ये था हमारा कॉन्वर्सेशन का, ठीक है? तो अब एक चीज़ हम समझेंगे, आप लोग भी रेस्टोरेंट में डेफिनेटली गए होंगे, हर कोई जाता है, ठीक है? तो आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहली बात वहाँ पे कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, तो ये एक आपको एक आइडिया मिल गया। आप वहाँ जैसे ही जाएंगे, एक बहुत ही अच्छे कपड़े में वेटर आएगा और आपको ग्रीट करेगा, ठीक है? इसके बाद आपको जो भी ऑर्डर रहता है मेन्यू कार्ड देगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा डिश चाहिए। उसके बाद कैसे बातचीत किया जाता है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि हाँ इस रेस्टोरेंट का मतलब, वहाँ तो मतलब बहुत सारे फूड रहते हैं, तो आप कैसे वहाँ पे ऑर्डर करेंगे? आप ऐसा नहीं है कि हाँ पटना में भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे इंग्लिश में आप बोलोगे तो मिलेगा, बोरिंग रोड साइड, तो अगर कोई उधर जाता है तो आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे तो आपको हो जाएगा। आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, मौर्या में भी चलता है ऐसे, ठीक है? तो आप घर पे ये ट्राई कीजिए, ठीक है? कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है कि बातचीत करना, ठीक है? आप लोग जितना बातचीत करेंगे और इंग्लिश में कीजिए, ये जितना भी ऑर्डर, ये जितना भी दिया गया है सेंटेंस, सब नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, आप उसको किसी चीज़ में टर्न कर सकते हो। घर में अगर भाई बहन है तो कोई वेटर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, कैरेक्टर लेके बांट के आप लोग आपस में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉन्वर्सेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना ही आपको मज़ा आएगा। ये सारा कॉन्वर्सेशन, बातचीत आप करते रहो, अपने दोस्तों के साथ करो, ठीक है? फिर हो सकता है आपके नेबर में आपकी फ्रेंड होंगी, उनके साथ आप कीजिए,
तो ये एक प्रैक्टिस बना रहता है, तो आप जब भी इंग्लिश बोलोगे ना तो उसमें ये दिखता है, कॉन्फिडेंट एक रहता है आदमी, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, घर पे इसका प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी से बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कम से कम इन वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए। कैन आई का यहाँ पे देखना कितना मतलब लिहाज के साथ बोलता है ये वेटर। कैन आई सर, हेलो मैडम, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ऐसे टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। तो आप लोग को भी ऐसे कर्टियस वे में ही कॉन्वर्सेशन करना है और बहुत ही कर्टियस मैनर में इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है, इसका मैं लिखा दूंगा आपको क्वेश्चन आंसर। पहले आप लोग एक बार इसको पढ़ें, समझें, कोई भी डाउट होता है आप लोग सेशंस के दौरान पूछ लेंगे। और दूसरी बात कि जो मैंने पूछा है आप लोगों से कि इंडियन और चाइनीज़ में क्या डिफरेंस होता है, आप लोग मुझे ज़रूर सेशन के दौरान सभी लोग बताएंगे। एवरीवन विल टेल मी अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन फूड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, हैव अ ग्रेट डे।